दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम है कोविड के लिए वो दिल्ली से आई हुई है, और इसमें श्री राजीव सिंह ठाकुर जी जो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी डेपुटेशन पे हैं, उनके नेतृत्व में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और हेल्थ मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने आज अजमेर में मीटिंग ली है और कंटेनमेंट जोन का उन्होंने दौरा किया। इसके साथ साथ जो कोविड केयर सेंटर बना है और जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है उन्होंने, और उनका ये कहना है कि अजमेर में जो सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन था मुस्लिम मोची मोहल्ला, वो बहुत ही चैलेंजिंग था, और वहाँ पे जा कर के एक एक घर का सैंपल करना और लोगों को वहाँ पे इस मतलब महामारी को कंट्रोल करना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब कर्फ्यू भी हमने हटा लिया है और अब केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, हमारे पॉजिटिव जो ट्रीटमेंट में हैं वो 50 के आसपास लोग हैं, और हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने स्थापित कर लिया है, और जो मेन हॉस्पिटल है हमारा JLN वो भी अब मुक्त हो चुका है, और जो साधारण ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं OPD की फैसिलिटीज़ वो सारी शुरू हो गई है। तो उन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया है और हमें कुछ गाइडलाइंस भी, हमें मार्गदर्शन भी प्रदान किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल टीम ने जो हमें निर्देश दिए हैं और उन्होंने जो भी बातें कही हैं उस पर हम अमल करेंगे, और वैसे भी जो हमारा जो ये रहा है, हमारा जो कंटेनमेंट रहा है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि कोरोना को हम पूरी तरह से मुक्त कर देंगे अजमेर को और ग्रीन जोन में लेके आ जाएंगे। Thank you.